ढाकी रेलवे फाटक के बंद होने से लोगों को काफी दिक्कत होती है। लोगों का कहना है कि जब फाटक बंद हो जाता है तो यहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उनका समय भी बर्बाद होता है, दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। इसलिए जल्द से जल्द ओवरब्रिज बनाया जाए और जिससे उनको राहत मिले। फायदा होगा, जरा जाम तो बचा हो जाएगा। सीधा हाईवे तो सीधा उधर चल जाएंगे लोग, जो इधर भी आएंगे वो इस मतलब अलग रूट बन जाएगा ना। फायदा तो हर एक बंदे नूं ऐ देखो जी, इन्ना घट्टो घट हर अजकल टाइम बड़ा लोगों का कीमती हैगा, हर एक नूं समस्या तो होंगी है। देखो हूँ गड्डी अजे उतो चलती है तो यह बड़ा फायदा फायदा तो होएगा ही बिल्कुल। अपना नाले गड्डियां तीन तीन चार चार कट्ठियां कटते है, जाम लग जाता है गुरदासपुर तक, बर्फानी मंदिर तक जाम लगे। फायदा तो हर एक इंसान को, आम जरा पढ़िया लिखा भी है कोई भी है, उन्होंने देखो हूँ कि इतने लग रहा है, अं इतने 15-20 मिनट हो गया खड़े को खड़े है। टाइम तो हों इन चीज़ों का, वेस्ट तो हों जी और फायदा तो हैगा ही है बिल्कुल। गवर्नमेंट जो है जोड़ा काम ठीक है उन्होंने ठीक ही कह जाए, इतने हर वास्ते है। ये देखो कोई कोई बेचारा बीमार है, कोई कितने जाना चाहता है, कोई किसी वे कोई एमरजेंसी है, फाटकना का फायदा तो हैगा ही है क्योंकि इतने जंक्शन है, गड्डिया तीन तीन 15-15 मिनट बाद गड्डी आ जाती है, तो अद्धा अद्धा घंटा तो बंद कर रखी रखते हैं फाटक, जहाँ तो तुरंत खुले ना तो भी है, तो देखो जाम कि लंबी लाइन लगे। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।